तो देखिए ये क्वेश्चन, अगर ये जो न्यूमरेटर आपका है कॉस प्रोडक्ट में है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लेते, लेकिन न्यूमरेटर में डिवाइड करने कोई फ़ायदा नहीं है, सब में ब्रेक करने कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या किया जाए? तो ये आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसको हैंडल कैसे करते हैं। ये जो दो एंगल आपके पास है, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, इनका डिफरेंस क्या आएगा? एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इनका डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस और इंटू माइनस प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस है, मतलब ये ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? बी माइनस ए लिखा हुआ है, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो इस चीज़ को हम ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं, बी माइनस ए कांस्टेंट क्वांटिटी है, और इसका अगर हम लोग कॉस या साइन ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं तो वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है? साइन बी माइनस ए, और साइन बी माइनस ए से हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अपॉन जो भी है आपके पास कॉस ऑफ एक्स माइनस ए टाइम्स कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला प्लेस कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका? 1 अपॉन साइन बी माइनस ए टाइम्स ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी एंड माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, इधर क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए टाइम्स कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ क्या दिख रही है आपके पास? एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका? एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, है ना। तो हम लिख दे रहे, चलिए 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए टाइम्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से टेन ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स हो जाएगा, और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स, ठीक है। तो इसका लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस ए हो जाएगा, इसका लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस सॉरी कितना है बी माइनस ए, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक कितना है? एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए और माइनस लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस बी। लॉग एम माइनस एन वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग एम अपॉन एन। इट कुड बी रिटेन एज ए साइन ऑफ बी माइनस ए लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।